अफगान स्फीर की बेटी के केस में हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ और, इनका मुकदमा कुछ और है, ये कहना है वज़ीर दाखला शेख रशीद का। इन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है अफगान स्फीर की बेटी तहकीकात का हिस्सा बने। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि गैर एलानिया हाइब्रिड जंग शुरू कर दी गई है। इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल और भारत खिते में इमरान खान के असर शोक से परेशान है, कुछ ताकतें नहीं चाहती कि पाक चीन दोस्ती मुस्तहकम हो। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। दुनिया में इमरान खान ने जो कश्मीर के लिए स्टैंड लिया हुआ है वो इसराइल और इंडिया को एक आंख नहीं भाता, और ये साबित हुआ कि 50 लीडरों में वो फोन भी है कि इमरान खान का कर रहे थे। हमने चाइनीज की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है और चाइनीज हुकूमत हमसे मुतमिन है। टाइमिंग देखें कि जोर टाउन का वाकया फैटफ से एक दिन पहले किया गया है, दासू का वाकया जो है वो JCC की मीटिंग से एक दिन पहले किया गया है, और ये अफगान अम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया। स्टेट उनका केस लड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी। हालांकि उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है, किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है, लेकिन अफगानी हमारे भाई और इंडियंस जो है वो इसको एक नई शक्ल देने के कोशिशें कर रहे हैं जबकि हकीकत से इसका कोई। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव।